हाय फ्रेंड्स, सो अभी मैं हूँ फिलाडेल्फिया सिटी है उसका एक टाउन है, वहाँ पे हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा मतलब सोसाइटी देखा और ये इस सोसाइटी में मेरे फ्रेंड्स हैं, वो रह रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, इसका स्ट्रक्चर अच्छा लगा, इसकी फैसिलिटीज़ अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये मतलब सोसाइटी है, मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊं ताकि उन लोगों को भी एक आइडिया हो, या जो लोग खुद बिल्डर हैं वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से अगर सोसाइटी डेवलप करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं उनके फ्लैट्स बिकने के, राइट, और कस्टमर्स को भी सेटिस्फिकेशन मिलेगा। चलो अभी हम टूर करते हैं यहाँ का। यह सोसाइटी है, आप इस सोसाइटी में जब मैं अंदर घुसूँगा अभी आपको यह लगेगा कि ये 5-star होटल है, जबकि ये 5-star होटल नहीं है, यहाँ पे रेजिडेंस है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे कितना रेंट है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। सो अभी मैं चल रहा हूँ, आपको बैक साइड में भी दिखाता हूँ इसका फ्रंट में जो रोड है वो कैसी है। ये आप जब सामने स्ट्रेट में देख रहे हैं वहाँ से ये शुरू होता है। तो अभी हम आ चुके हैं, तो ये है द रॉयल वर्थिंगटन। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ पर इधर पार्किंग दी हुई है, पार्किंग की फैसिलिटी है तो ग्राउंड पे, ये बाहर और अंदर दोनों है। ये है फ्रंट जिधर से अभी हम आए हैं। सो अभी मुझे अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, मुझे यहाँ पे डालना होगा पासवर्ड। सो मुझे पासवर्ड पता है, मैं पासवर्ड डालूँगा यहाँ पे। नाउ आई कैन एंटर। सो ये है एंट्रेंस। फाइव स्टार होटल से कम नहीं लग रहा है यहाँ पे। और ये पूल खेलने के लिए है, राइट। इधर ये टीवी का एरिया है, इधर सामने इलेक्ट्रिक आग है वो जल रही है। इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पे पावर सॉकेट दे दिया गया है नीचे। और इधर कॉफ़ी मशीन वगैरह है, पेंट्री एरिया बोल सकते हैं। इधर इजीली यहाँ पे कोई भी कॉफ़ी बना के पी सकता है। और इस साइड में है जिम। और ये बैक साइड एरिया है, इस बैक साइड एरिया में इधर ये एक तरीके से थर्मल बाथ के लिए बना हुआ है। और इधर ये है, इधर स्विमिंग पूल है। सो ये बैक साइड एरिया है, इधर बैक साइड में भी यहाँ पे टीवी चल रहा है। तो इधर चलते हैं। यह है पार्किंग, पार्किंग का एरिया है। और यहाँ पे हेयर सैलून भी है। और यहाँ पे दिया हुआ है डॉग वॉश स्टेशन, दिखाते हैं कैसा है डॉग वॉश स्टेशन। यह जहाँ पे डॉग को नहला सकते हैं।
अभी आपको दिखाता हूँ कॉन्फ्रेंस हॉल, जहाँ पे आपके कोई भी गेस्ट आते हैं, आपका कोई भी क्लाइंट आता है, तो आप यहाँ पे इजीली मीटिंग कर सकते हैं। बिकॉज कुछ मीटिंग्स होती हैं वो घर में पॉसिबल नहीं होती हैं, यह कॉन्फ्रेंस हॉल, तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ आप मीटिंग्स कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मीडिया रूम भी दिया हुआ है, ये है मीडिया रूम। अभी हम चलते हैं लिफ्ट से ऊपर, यहाँ पे टिश्यू पेपर भी दिए हुए हैं। तो ये रूम, सो अमेरिका में यहाँ पे ऐसे घर होते हैं, ये है बड़ा घर। अभी हम शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं रूम। सो ये है रूम जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था, और आपको आउटसाइड का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ से मुझे बालकोनी है वो ओपन करनी पड़ेगी। ये बेसिकली बैक साइड एरिया है, और इधर बैक साइड में भी पार्किंग की फैसिलिटी है, आप देखो काफ़ी अच्छा है। और अभी ये वाला एरिया मैं आपको दिखाया था मैंने स्विमिंग पूल और थर्मल बाथ के लिए, और उधर बैक साइड में मेन हाईवे है। वहाँ पे जो बालकोनी है वो भी मतलब बहुत छोटी है, सिर्फ इतनी है। यहाँ पे डायरेक्ट विंडो खुलती है और डायरेक्ट बालकोनी है छोटी सी। और यहाँ पे रूम में एक स्पेस बना दिया गया है जिसमें आप कपड़े वगैरह रख सकते हैं ईजीली। ये पूरा मतलब कपड़े लगेज स्टोर वगैरह सब है इसमें, इसी में सब बना दिया गया है। ये है बेसिकली शूज स्टोर जहाँ पे आप अपने शूज हैं वो रख सकते हैं। और यहाँ पे सेंट्रलाइज हीटर है, उसकी जाली लगी हुई है। और ये है बाथरूम, बाथरूम की लाइट ऑन करते हैं। तो इधर ये दे दिया गया है शावर का एरिया, आप शावर ले सकते हैं। तो बाकी तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, इसमें भी एक अलग से रूम बना दिया गया है जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। और ये किचन एरिया है, आप सब कुछ स्केटर्ड है, बिखरा हुआ है, तो आप हैरान ना हो क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं। सो यहाँ पे लगी हुई है वॉशिंग मशीन, इसका भी पूरा एक अलग से रूम बना दिया गया है। और एक आपको काम की चीज़ दिखाता हूँ, ये है बेसिकली हीटर, यहाँ से हीटिंग होती है, यहीं से मतलब पानी है वो गर्म पानी यहीं से आता है। यहाँ पे ठंड हमेशा रहती है बहुत ज़्यादा, तो सेंट्रलाइज हीटर रखा जाता है।